और मदरसा देखिए, प्राइवेट मदरसा नहीं रहना, मदरसा मस्जिद के नेम से रहना और मैनेजिंग कम्युनिटी टेक केयर द मदरसा। तो ये जो है आज बहुत जगह जो हमारे मिलकर मैं बता रहा हूँ पूरा जो है वहाँ पर पहुँचने वाले आप लोगों को एक बात हो रही है, जुम्मे के दिन तकलीफ में आ सकते हैं पर्सनल नंबर से ये जमील साहब है, इनका बेटा अब्दुल माजिद, अगर इनका निकाह हुआ, इनका बीवी मायके चले गया, कुछ भी है, फैमिली डिस्प्यूट किसका नहीं रहता सर, फैमिली डिस्प्यूट, एक मिनट मैं बोलूं, 498 फिर वो केस कोर्ट में चल रहा, फैमिली डिस्प्यूट है। इन्हों यहाँ पर मस्जिद के लिए आवाज उठाए, तो ही हैव द राइट, वाई बिकॉज इज द मुसल्ली, इज द वर्शिपर हियर इन मस्जिद एंड दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज अ पब्लिक वर्शिप प्लेस। यहाँ पर अगर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी अब्दुल करीम कर रहे तो आवाज उठाए, इन्हों अकेले ने उठाए, इन्हों अकेले ने उठाए, दोनों पार्टी ने सब मिलकर मेरे खिलाफ भी लिखा, आई हैव दैट ऑल्सो, बट हम क्या करें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया। अब्दुल करीम अपने पर्सनल नंबर से पर्सनल अटैक कर रहा है, क्यों, ताकि ये लोग पर्सनल अटैक करके प्रॉब्लम में आ गए, खामोश हो जाए, डर के खामोश हो जाना, ऐसी फिर वो चेंज होते गए, अब ये चौथा मदरसा चल रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसका एक ही एक रीजन है अब्दुल करीम मस्जिद के एक्स प्रेसिडेंट थे, अब जमियतुल हीरा के भी प्रेसिडेंट जो है अब्दुल करीम है, एक तरफ मस्जिद की कमेटी के प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ मदरसे के कमेटी के प्रेसिडेंट, इन्हों अपने आप को गिफ्ट दे रहे हैं, अपने आप को लीज के डॉक्यूमेंट्स पे अग्रीमेंट्स पे जो है साइन कर ले रहे हैं, साइन कर लेके इन्हों अपनी मनमानी कर लेते चले जा रहे हैं। यहाँ पे मदरसे पहले क्या करें, आज से 8-10 साल पहले मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए तामीर बोल के पैसा कलेक्ट करना शुरू करे, पैसा कलेक्ट करना शुरू करने के बाद में एक इमारत बनाए, वो इमारत में हम हर कोई, हमारा, हमारे बहनों का, हमारे माओं का, चंद लोग अपना, चंद बहनें अपने सोने जेवरात निकाल के पैसे डाले, उन्होंने शुरू में हमारे को एक नक्शा बताते गए, बोले कि ये पूरी मस्जिद बनने वाली है, पहली 350 गज बनाऊंगा, फिर उसके बाद में बाकी की 550 बनाऊंगा, पूरे पार्किंग के लिए 2 सेल्लार, पूरा प्लान, बेहतरीन नक्शा एक बताया, हम उनके ऊपर भरोसा करें, उसके बाद में 350 गज पूरा डिसमेंटल करके वहां से शुरुआत से 600 सब चीज, हम आपके पास कई दरख्वास्त दिए, बोले कि भाई किसी की भी कमेटी की हमारे को जरूरत नहीं है, हम जब हमारी कमेटी डाले तो आप हमारी कमेटी को क्या बोले, नहीं भाई हम लोग उनकी कमेटी को देते, बोल के क्या वजह से आप उनको कमेटी को बार बार दे देते जा रहे, हम यूनानिमस के लिए पूछे, डायरेक्ट मैनेजमेंट के लिए पूछे, आप कोई भी चीज़ को वो नहीं करें। आप इसके बाद में ऐसा मेरिट बेसिस पे इफ्तिखार साहब का पैनल अप्रूव हो गया, उनके जो है प्रोसीडिंग्स पे सिग्नेचर हो गया, बाद भी आप क्या करें, उनके आप होने के बावजूद भी आप ऐसा वो डॉक्यूमेंट्स हमारे तक आए नहीं, पिछले 1 साल से केयर टेकिंग कमेटी बोल के उन्हें अपनी मनमानी कर लेते जा रहा, मस्जिद की हालत देखो, मस्जिद के ऊपर गिलावा नहीं है, अंदर सेलर पे, अंदर जो है स्लैब के अंदर जो है स्लैब में जो है अस्तरकारी नहीं हुई, और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मालूम हो जाता है, ये मस्जिद का हिस्सा जो गरीब है
जिसके ऊपर सरकारी नहीं कुछ नहीं, यह मदरसे का हिस्सा, यहाँ पे पूरा फाइव स्टार होटल बना लेते क्या, मस्जिद के नाम पे चंदा मांगते क्या, मदरसे पे लगा लेते क्या, एक एक स्लैब के वास्ते तुम कितनी अमानत में खयानत करे मारे। अब हद तो यह हो गई, अब तुम क्या बोल रहे हो, सीधा 30 साल के लीज पे मदरसे से मेरे को आमदनी नहीं हो रही, मेहंदी कोर्सों से आमदनी नहीं हो रही, डिजाइनिंग से नहीं हो रही, इसलिए मैं मदरसे को फिर आप क्या करें वो ऊपर रख दिए, उसके नाम पे पैसा मांग रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बना देता हूँ बोल के बोले, बाजफ्ता आप आपके प्रिंसिपल को बिठा के बोले, इरफान उमरी साहब आप उमरी है, आप आलिम है, आपको मेंबर रसूल पे ठहराते, आप दो दो मुँह के बातें करें, आप इससे पहले मस्जिद में जो मदरसे का प्रोग्राम था तो आप ये बोले कि ये मदरसा मस्जिद का ही है, मस्जिद के तहत ही है, मस्जिद की ही मैनेजिंग कमेटी है बोल के आप बताएं, फिर परसों में आप एक नया वीडियो रिलीज करके बोलते हैं मस्जिद की बाजू वाली जगह बोल के बोलते हैं, आप कैसा बोलते हैं, आप आइंदा बार यहाँ पे आना ही नहीं, आप अगर आप आ रहे हैं तो आपको अगर कोई बुलाए तो इमामत के लिए आना, आप अल्लाह के घर को हमार को सौंप के चले जाना। आप सुने, इससे पहले भी कलीमुद्दीन ऐसी करे, अल्लाह ताला कलीमुद्दीन को हिदायत दिया, जूते लाता पढ़ने के बाद में उन्होंने सुधर गए। शफीक आलम साहब आप जमीयत अहले हदीस के प्रेसिडेंट हैं, आप 8 साल से हम यहाँ पे इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, क्या आपको दिख रहा नहीं, आप आगे पूछते नहीं, आप खाली अहदे पे बैठ जाते हैं, आपको अहदे पे हम बिठाए, हम अहले हदीस बिठाए आपको, हम आप अहदे पे बिठाए, आप अहदों पर बैठ के 100-150 मस्जिद के मसले आप ऐसा हल, आप फैसला करने वाले आप आके नहीं बोलते, आप मेंबर रसूल पे बैठ, आप मेंबर रसूल पे बैठ के ये बोलते हैं कि भाई मुत्तहिद हो जाना, अपने अपने अंदर के इख्तलाफात को खत्म करना, आप क्या मौका दिए बतलाइए, आप आओ, आप आके हमारे को पूछना, नहीं तो आप अनफिट है, आप इस्तीफा दे दो फौरन दे दो। आप सुने, आप आइए, आप आके फैसला करना, और अब्दुल करीम हमारे को होना ही नहीं है, मेयर से अकेले सुने पूरा मुसल्लियों से पूछो, पूछ रहा हूँ, हमारा एक ही मुतालबा है अब्दुल करीम के नाम का, अली हिरा के नाम का ट्रस्ट हमारे को नहीं होना, मस्जिद जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा के नाम का।